अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिट नंबर 8 ऑफ कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी, और चैप्टर का नाम है हीलिंग, क्योर एंड स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी का दिस इज़ द वेरी लास्ट चैप्टर, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हीलिंग क्या है, क्योर क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आपके इस तरह से हैं, डिस्क्राइब स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रूहानियत क्या है और इसका रिलेशनशिप क्या हेल्थ के साथ, यानी कि सेहत और बीमारियों के साथ। डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों ने, डिफरेंस करना है बिटवीन हीलिंग एंड क्योर। हीलिंग और क्योर के दरमियान फ़र्क वाजे करेंगे, आइडेंटिफाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, यानी कि रूहानी तौर पे जो हीलिंग होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग जो है उसके कितने मेथड्स हैं, उनको स्टडी करेंगे वन बाय वन और इनके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हीलिंग। हीलिंग क्या है? हीलिंग का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ टू रिस्टोर हेल्थ और साउंडनेस, यानी कि आपकी जो सेहत है उसको बहाल करना। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है या अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ जाना, उस बंदे का या उस वाउंड का, तो दैट इज़ द हीलिंग प्रोसेस, यानी कि रिस्टोर करना हेल्थ और साउंडनेस को। और क्योर करने का मतलब होता है मीनिंग, मीन्स ऑफ हीलिंग और रिस्टोरिंग टू हेल्थ, और अ मेथड ऑफ कोर्स ऑफ रेमिडियल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज और सक्सेस सक्सेसफुल रेमेडियल ट्रीटमेंट फॉर रिस्टोरेशन टू हेल्थ। यानी कि इसमें हीलिंग में तो एक आ जाएगा ना कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो बंदा है वो, या कोई बीमारी है वो कम्प्लीटली एबसेंट हो जाती है, या वो मुकम्मल तौर पे जो है बंदा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर लिहाज से ठीक हो जाता है। और जो क्योर है वो उसका एक तरीका है जिसके ज़रिए जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है या जो इलाज किया जाता है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे यू फाइंड मीनिंग, होप, कंफर्ट एंड इनर पीस इन योर लाइफ। यानी कि इफ़ यू आर लूजिंग होप और आपको कहीं पे भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, अपनी बीमारी की वजह से परेशान है, और या किसी ज़िंदगी में किसी किसी भी मौके पे आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता और किसी बात की समझ नहीं आती है, लाइफ पर्पसलेस लगती है, तो जो तरीके, जो जिन तरीकों से आपको वो मीनिंग, वो पर्पस, वो कंफर्ट, वो सुकून ज़िंदगी में वापस मिलना शुरू हो जाएगा, मेंटली तौर पे भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को, उस तरीके को, उस रास्ते को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वो ये भी हो सकता है कि आपको मेडिटेशन से मिलती है, या आपको किसी से बहुत रिलीजियस बातें करने से मिलती है, आपको नमाज पढ़ने से, आपको दुआ मांगने से, किसी भी तरीके से आपको जो स्पिरिचुअलिटी है वो हासिल हो सकती है। मैनी पीपल फाइंड स्पिरिचुअलिटी थ्रू रिलीजन, कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको रूहानियत का जो उनका जरिया होता है वो रिलीजन होता है, यानी कि उनको नमाज पढ़ने में, वुजू करने में और इबादत करने में, दुआ मांगने में उनको रूहानियत मिलती है, यानी कि उनको सुकून मिलता है, उनको अपनी ज़िंदगी जो है वो वापस ट्रैक पे नज़र आती है थ्रू रिलीजन। सम पीपल फाइंड इट थ्रू म्यूज़िक, आर्ट और अ कनेक्शन विद नेचर, कुछ लोगों को नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करने से, या कुछ को म्यूज़िक सुनने से, कुछ को पेंटिंग करने से, हर इंसान को डिफरेंट तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी है वो मिलती है। अदर्स फाइंड इट इन देयर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, और कुछ लोगों को अपने जो असूल होते हैं, जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी मिलती है। अब रेमेडी क्या होती है? रेमेडी वही तरीका, कोई भी जिससे आपको बीमारी से या आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी तकलीफ से अगर छुटकारा मिलता है, राहत मिलती है, यानी कि सुकून मिलता है, उसको हम उसकी रेमेडी कहते हैं। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या है? इज़ अ पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव दैट प्रोवाइड अ पर्पज इन अवर लाइफ, यानी कि एक वो एक ज़ाती मामला है जिसको इन्वॉल्व करने से, जिन वैल्यूज से या जिन बिलीव्स की वजह से, ऐसे बिलीव्स या वैल्यूज़ हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपका पर्पस है, जो ज़िंदगी का मकसद है, उसको वापस ले आए, यानी कि इंसान जो उम्मीद छोड़ चुका था, अगर वो वापस से होपफुल हो जाता है ज़िंदगी को लेकर, तो दैट इज़ नोन एज स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल हेल्थ कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर ब्रॉड कॉन्सेप्ट सच एज होप, पर्पज एंड पीस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उम्मीद है, मकसद है और सुकून है। स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड टू हेल्थ। अब स्पिरिचुअलिटी जो है वो हेल्थ से कैसे रिलेटेड है? कहते हैं कि किसी को भी नहीं पता लिटरली कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो रूह है और जो हमारी बॉडी है, यानी कि और जो हमारा माइंड है, जहन है, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, और इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर ठीक नहीं काम करेगी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फिजिकली फिट लेकिन मेंटली आप लोग अपसेट हैं, कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो यू वॉन्ट फील गुड, आपको अच्छा महसूस नहीं हो सकता अगर आपकी बॉडी का कोई भी जो हिस्सा है वो
ठीक नहीं है या अगर आप मेंटली तौर पे ठीक नहीं है तो आप किसी ना किसी तरीके से अपसेट रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी जो है वो फिट हों, ताकि आप जो है वो खुद को अच्छा महसूस कर सकें और हेल्दी महसूस कर सकें। सम रिसर्चेज शो अ कनेक्शन बिटवीन योर बिलीव्स एंड योर सेंस ऑफ वेलबींग। कुछ तो कहते हैं, कुछ रिसर्चेज ये कहती हैं कि आपके जो अकायद होते हैं, यानी कि आपके जो अकीदा होता है या हमारे जो बिलीव्स होते हैं उनका, और हमें अच्छा महसूस होने में, यानी कि हम ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं, इसको महसूस करने के लिए भी हमारे जो बिलीव्स हैं वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव बिलीफ कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ पॉजिटिव बिलीव्स कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ गेन फ्रॉम रिलीजन, मेडिटेशन एंड प्रेयर कैन कंट्रीब्यूट टू वेलबींग, इट मे इवन प्रमोट हीलिंग। अब कहते हैं कि जो जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो वो जो चीज़ें हमें अपने रिलीजन से मिलती हैं उसको स्ट्रेंथन करती हैं हमारे बिलीव्स को। और मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, हम मतलब गौर और फिक्र बेसिकली की जाती है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद है इम्प्रूविंग योर स्पिरिचुअल हेल्थ में नॉट क्योर एन इलनेस। कहते हैं कि आपकी जो रूहानी सेहत है उसको इम्प्रूव करने से, बेहतर करने से हो सकता है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक ना हो जाए, बट ठीक ना हो, बट इट कैन, इट मे हेल्प यू फील बेटर। लेकिन लाजमी तौर पे जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है जब वो बेहतर होगी तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे। हेल्थ और जो आपकी बीमारी है वो तो साथ साथ ही है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मेंटली तौर पे स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो मे प्रिवेंट सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्प यू कोप बेटर विद इलनेस, स्ट्रेस और डेथ। तो ये हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी अफेक्ट करता है, उनको बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है, और इलनेस, यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से लड़ने में भी हमें आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। पाथ टू इम्प्रूव्ड हेल्थ, यानी कि एक अच्छी सेहत जो है, एक बेहतर सेहत जो है वो किस तरीके से मिल सकती है? इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्पिरिचुअल हेल्थ यू मे वॉन्ट टू ट्राई द फॉलोइंग आइडियाज़। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो रूहानी सेहत है वो ठीक हो, या आप कह सकते हैं कि आपकी जो जहनी सेहत है वो स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए अगर ये चंद जो फॉलोइंग चीज़ें हैं इनको करें तो वो आपकी डेफिनेटली मेंटल हेल्थ को, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। आइडेंटिफाई द थिंग्स इन योर लाइफ दैट गिव यू अ सेंस ऑफ इनर पीस, कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ, एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन दीज थिंग्स। के आप लोग हमेशा कोशिश किया करें टू एक्सप्लोर योर पॉजिटिव थिंग्स, यानी कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें अपने बारे में जो कि आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि या आप कह सकते हैं कि जो काम करने से आपको अच्छा महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक रीडिंग से खुशी मिलती है तो इट मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी हो रही है आपको, डिप्रेस्ड हैं, तो आप बुक रीडिंग शुरू कर दें। अगर किसी को नमाज पढ़ने से, वुजू करने से, इवन के कुछ लोगों को वुजू करने से भी सुकून मिलता है, यानी कि उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, या उनको कह सकते हैं आपके मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनको एक्सप्लोर करना आपका अपना काम है। खुशी जो है हम अपने लिए खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि ये चीज़ से आपको खुशी मिलती है। सेट टाइम एवरी डे टू डू थिंग्स दैट हेल्प यू स्पिरिचुअली। वही बात कि आप देखें, अगर आपको नमाज पढ़ने से, वुजू करने से, बुक रीडिंग से, इन सब चीज़ों से खुशी मिलती है, तो फिर आपने उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए टाइम भी निकालना है, ताकि आपकी जो सेहत है, आपकी जो फिजिकल और जो आपकी मेंटल, जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। दीज में इंक्लूड डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज और वॉलंटियर वर्क, प्रेइंग, मेडिटेशन, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, रीडिंग इंस्पायरेशनल बुक्स, हैविंग क्वाइट टाइम फॉर थिंकिंग। ये वो सारी बातें जो मैं बता चुकी हूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन कि इनके अलावा भी वो चीज़ें हो सकती हैं जो करने से आपको खुशी मिलती हो। तो जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर देम योर सेल्फ, ताकि आप जब भी आप बहुत डाउन फील कर रहे हों, लो फील कर रहे हों, तो उस मोमेंट के ऊपर आप उन एक्टिविटीज़ को करें ताकि आपको अच्छा महसूस हो। रीचिंग स्पिरिचुअल वेलनेस, यानी कि आप स्पिरिचुअल वेलनेस तक पहुंचा कैसे जाए?
It is important for everyone to explore what they believe in their own sense of meaning and purpose. अगेन वही चीज़ जो कि मैं बता चुकी हूँ कि हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करे जिसको करने से उसको खुशी मिलती है या उसको अच्छा महसूस होता है, उसको लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी का पर्पस था और यही मैं काम कर रहा हूँ. द पाथ टू स्पिरिचुअल वेलनेस में इन्वॉल्व मेडिटेशन, प्रेयर, अफर्मेशन और स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट योर कनेक्शन टू अ हायर पावर और बिलीफ सिस्टम. ये वो सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन हो सकती है, प्रेयर हो सकती है, किसी बात का पुख्ता इरादा कर लेना, कोई काम ऐसा जिससे आपको करके कनेक्शन फील होता है कि आपका एक हायर और बिलीफ सिस्टम के साथ जो आपका कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है. योगा भी हो सकती है, एक्सरसाइज भी हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करके आपको अच्छा महसूस होता है, आपको पॉजिटिव फील होता है, आपको प्रोडक्टिव फील होता है, वही आप कह लें कि आपका लेवल है टू रीच स्पिरिचुअलिटी या आपका पाथ है टू रीच स्पिरिचुअलिटी. हैविंग कंपैशन, द कैपेसिटी फॉर लव एंड फॉरगिवनेस, अल्ट्रूइज्म, जॉय एंड फुलफिलमेंट हेल्प यू एंजॉय योर स्पिरिचुअल हेल्थ. यानी कि कहते हैं कंपैशन क्या है कि द कैपेसिटी फॉर लव एंड फॉरगिवनेस, यानी कि आप किसी को कितना प्यार दे सकते हैं, आप कितना दरगुजर कर सकते हैं, आप कितना बेलोस होकर दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप कितना चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, आप कितना भरपूर तरीके से कोई भी काम करते हैं. ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके स्पिरिचुअल हेल्थ को एंजॉय करने में हेल्प कर सकती हैं. योर रिलीजियस फेथ, वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स डिफाइन योर स्पिरिचुअलिटी. अब आपके मजहबी, जो आपका मजहब है उसके बारे में आपके क्या अकायद हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मॉरल जो होते हैं, यानी कि आपके जो आप कह सकते हैं आपका जो वकार है, जो आपकी वैल्यूज़ जो आपने सेट की हुई हैं, वो सारी ही डिफाइन करती हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को कि आपकी रूहानियत का जो लेवल है वो क्या है या उसकी स्टेट है वो क्या है. एवेल्यूएशन ऑफ योर ओन स्पिरिचुअल वेलनेस, अब आपने किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल वेलनेस को इवेल्यूएट करना है, यानी कि आपने देखना है कि आप स्पिरिचुअली वेल हैं, अच्छे हैं या नहीं है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद से करने हैं, और अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर नो है तो आपने देखना है कि कैसे आपने उसको इम्प्रूव करना है. डू आई मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन इन माई डे, क्या आप अपने लिए आराम करने के लिए या मेडिटेशन के लिए, गौर व फिक्र के लिए या एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकाल पाते हैं या नहीं. डू आई मेक टाइम फॉर मेडिटेशन एंड प्रेयर. डू माई वैल्यूज गाइड माई डिसीजन एंड एक्शन, क्या जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज कह सकते हैं, इकदार हैं, वो गाइड करती हैं आपके डिसीजन और एक्शन को, यानी कि जो आप फैसले लेती हैं, जो आप फिर उसके ऊपर एक्शन करती हैं, यानी कि जो आप काम करती हैं, क्या ये उसके अकॉर्डिंग ही है जो आपकी वैल्यूज हैं. एम आई एक्सेप्टिंग ऑफ द व्यूज ऑफ अदर्स, क्या जो लोग दूसरे लोग जब कोई बात करते हैं, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं. तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस अपने आप से भी कीजिएगा और देखिएगा कि क्या इन सब का आंसर हाँ में है या फिर ना में है. अगर तो किसी एक का भी ना में है, इट मीन्स कि आप जो है वो अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीलिंग एंड क्योर. अब हीलिंग और क्योर का डिफरेंस देख लेते हैं. यू कैन क्योर विदाउट हीलिंग एंड यू कैन हील विदाउट क्योरिंग. अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. वो कहते हैं कि आप क्योर कर सकते हैं किसी चीज़ को हील किए बगैर, और किसी चीज़ को हील भी किया जा सकता है उसको क्योर किए बगैर. कैसे? क्योंकि क्योर करने का मतलब होता है एलिमिनेटिंग ऑल एविडेंस ऑफ डिजीज, यानी कि क्योर करने का मतलब है कि जो भी बीमारी थी, जो डिजीज था, उसके जितने भी एविडेंसेस थे, यानी कि जो उसकी अलामत थी, जो उसकी जो उसके सबूत थे, जो उसके आप कह लेंगे आफ्टर इफेक्ट्स थे, वो खत्म हो गए. वाइल हीलिंग मीन्स बिकमिंग होल. हील का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे सेहत याब हो जाना, यानी कि उस बीमारी के तमाम आप मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से जब उसके असरात खत्म हो जाएंगे तो दैट मीन्स हीलिंग. द वर्ड हीलिंग एंड क्योरिंग आर यूज इंटरचेंजेबली, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. क्योरिंग इज अ रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स एंड अ रेमेडी ऑफ डिजीज. हीलिंग ऑन द अदर हैंड इज अ रिस्टोरेशन ऑफ होलनेस. अभी मैंने बताया कि क्योर में तो आप सिर्फ उस जो बीमारी थी उसका इलाज करें, लेकिन हील करने का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ होलनेस, यानी कि एक मुकम्मल तौर पे इसमें आपके जितने भी सिम्टम्स थे वो सारे खत्म हो जाएंगे. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लिहाज से जो बंदा है वो ठीक हो जाएगा. दैट मीन्स हीलिंग. आप डिफरेंट मेथड्स हैं स्पिरिचुअल हीलिंग के.
ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने बताया था, इसका मतलब होता है गौर और फिक्र करना, यानी कि आप अपने जहन से हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन को, हर किस्म की नेगेटिविटी को साइड पे करके सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, किसी पॉजिटिव एक चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जगह अच्छी लगती है, आपको कोई कलर अच्छा लगता है, आपको कोई बात अच्छी लगती है, कोई बंदा, कोई कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, आप उसके बारे में सोचेंगे। और इससे होगा क्या कि 20 से 30 मिनट ऑलमोस्ट अगर आप फोकस करके किसी एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, और आप लोगों ने किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना। अगर कोई ख्याल क्रॉस भी करता है आपके माइंड को, तो आपने उसको डिस्ट्रैक्ट, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने कॉन्स्टेंटली जो है वो मेडिटेशन करनी है। इस तरह से आपकी मेंटल, फिजिकल, हर तरह की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। बेसिकली इसका जो मतलब होता है वो ये होता है, लेट गो ऑफ एवरीडे वरीज एंड लिटरली लिव इन द मोमेंट। यानी कि सारा दिन की या रोजमर्रा की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको साइड पे करके सिर्फ जो इस मोमेंट में आप बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ उसको एंजॉय करना है। दैट मीन्स मेडिटेशन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक खामोश माहौल चाहिए होगा, यानी कि आपको ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो। आप आउटडोर भी कर सकते हैं, इंडोर भी कर सकते हैं। अ कंफर्टेबल पोजीशन, अब पोजीशन का, कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब यह है कि जहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं, वो जो जगह है, वो पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब अगर लेट जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि यू मे फॉल अस्लीप, लेकिन आपने सोना नहीं है, तो इसलिए ऐसी पोजीशन हो जहाँ पे बैठ के बैठना भी कंफर्टेबल हो लेकिन आप सोएं भी ना। अ पॉइंट ऑफ फोकस, यू कैन मेडिटेट विद योर आइज क्लोज और ओपन टू दिस पॉइंट कैन बी इंटरनल अ फीलिंग और इमेजिनरी सीन। अब कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने जो मेडिटेशन के दौरान अपनी आंखें हैं वो बंद ही करनी है, आप मेडिटेशन विद ओपन आइज भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। एन ऑब्जर्वेंट नॉन क्रिटिकल एटीट्यूड, डोंट वरी अबाउट डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स दैट गो थ्रू योर माइंड और अबाउट हाउ वेल यू आर डूइंग। यानी कि नो डाउट कि इनिशियली जब वेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, यानी कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होगी, बहुत सारे दूसरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से गुजरेंगे, लेकिन आपने उसको, रिलैक्सेशन जो सेशन है, आपने उसको जो है वो कंटिन्यू रखना है, और आपने उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, ना ही उनके साथ आपने उनके ऊपर सोचना है, सिर्फ जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, जो आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, आपका फोकस वही होना चाहिए। काउंटिंग, काउंटिंग से भी एक आप कह सकते हैं मेडिटेशन हो सकती है। काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 100, रिस्टार्टिंग एवरी टाइम यू लूज ट्रैक, यानी कि आपने 100 से पीछे को गिनती करनी गिननी है, 199, 98, 97, 96, 95, इस तरह करके, और जहाँ से भूल जाए फिर आपने दोबारा से शुरू कर देनी है। सिंपली स्टार्ट ओवर एंड कीप काउंटिंग डाउन, रिमेंबर देर इज़ नो राइट टू रॉन्ग, इट्स ऑल मेडिटेशन, मेडिटेटिंग। यानी कि देर इज नो राइट और रॉन्ग, यहाँ पे कोई गलत या कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं। विजुलाइजिंग भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल फेस, प्लेस, कलर एक्सेट्रा। जैसे मैंने पहले बताया कि आप किसी, अगर आपको किसी को, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनकी शक्ल, उनका चेहरा बहुत प्यारा लगता है, या आपको कोई आपका फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, तो जो भी कोई फेस भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई कलर हो सकता है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, अच्छी लगती है, उसके बारे में आप सोच के उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अलाउ योर माइंड टू क्लियर एंड फोकस ऑन अ सिंगल इमेज, पीसफुल ग्रीन फील्ड, नोटिस हाउ दिस मेक्स यू फील। जैसे कि एक आप ग्रीनरी सोच सकते हैं, उसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें, उससे भी आपको अच्छा महसूस होगा। अब बायो फीडबैक क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी इलेक्ट्रोड्स, जिनको कि SCMG भी कहते हैं, स्किन के ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स को कर देते हैं अटैच। उससे क्या होता है कि वो बंदे का ब्लड प्रेशर, यानी कि उसके वाइटल्स को चेक करता है, मसल्स की, मसल में टेंशन लेवल क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, इन सब चीज़ों को वो चेक करते हैं, और वो फिर जो है वो जो बायो फीडबैक थेरेपिस्ट होता है वो मीट करता है विद द क्लाइंट एंड शो हिम द वेज इन विच हिज बॉडी रिएक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यानी कि कैसे उसकी बॉडी का जो ये हार्ट रेट वगैरह है, ये चीज़ें किस तरह से शो हुई है, द थेरेपिस्ट विल देन टीच हिम न्यू स्किल्स फॉर डिक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। तो अगर उनको लगता है कि इस बंदे की बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इसके मसल्स में टेंशन ज़्यादा है, तो वो फिर उसको तरीके बताते हैं कि किन तरीकों से आपने जो है इस इन लेवल्स को रिड्यूस करना है। योगा, योगा सबसे बहुत ही कह लें इफेक्टिव तरीका है मेडिटेशन का। इससे बंदे को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है, और जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है।
गाइडेड इमेजरी क्या होती है? इज अ वंडरफुल स्ट्रेस रिडक्शन टूल विच यूजेस विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजरी टेक्निक्स टू इम्प्रूव हेल्थ। इसमें क्या करते हैं, आप बंदे को, जो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली सिक फील करता है, उसको आप क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक इंक्लूड ट्रांसपोर्टिंग द इंडिविजुअल टू अ क्वाइट प्लेस इन देयर माइंड माइंड पर हैप्स अ फेवरेट लेक। फॉर एग्जाम्पल, आप उस बंदे को कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करें और खुद को महसूस करें कि आपको जो जगह पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आपको बीच पसंद है, आपको पहाड़ों के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पे अच्छा महसूस होता है, तो आप उस इंसान को उसके माइंड के अंदर उस जगह पे ले जाएंगे और फिर उसको आप गाइड करेंगे कि उसके बारे में सोचे कि वो वहाँ पर है। और जैसे वो माइंड में सोचेगा, इस तरह से उसका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल्स भी। और इस तरह से होता है क्या है कि बंदा जो है वो मेंटली जब रिलैक्स करता है तो डेफिनेटली हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी हमारी मेंटल स्ट्रेस के साथ ही रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से जो हॉर्मोन्स भी हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगे और जो बॉडी के ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम गाइडेड इमेजरी। प्रैक्टिसिंग विजुलाइजेशन, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख के इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे कि सी द सन सेटिंग ओवर द वाटर, हियर द बर्ड सिंगिंग, स्मेल द पाइन ट्रीज, फील द कूल वाटर ऑन योर बेयर फीट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको महसूस करके, जिनको प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस करके आपको अच्छा महसूस होता है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। अब डीप ब्रीदिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग एक एक्सरसाइज है, ऑल्सो नोन एज डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, आप अपने डायफ्रेम को यूज़ करते हैं। डायफ्रेम क्या चीज़ है? डायफ्रेम आपके जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो फ्लोर है आपका, उसका चेस्ट कैविटी का, जिसके ऊपर आपके रिब्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं डायफ्रेम। तो यू आर लर्निंग नॉट टू एंगेज इन टिपिकल शैलो ब्रीदिंग बट ब्रीदिंग थ्रू योर डायफ्रेम, यानी कि आप अपने डायफ्रेम के थ्रू ब्रीद करते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि आप अपने नोज के थ्रू ब्रीद करेंगे, आप डीप यानी कि गहरी सांस लेते हैं, और आप जब एक्सहेल करते हैं तो तब भी अपने नाक के थ्रू ही करते हैं एयर को। इस तरह से होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है। सिट कंफर्टेबली विद योर बैक स्ट्रेट, पुट अप हैंड ऑन योर चेस्ट एंड द अदर हैंड ऑन योर स्टमक, यानी कि आप लोगों ने स्ट्रेट बैठ जाना है और आपका एक हाथ आपके चेस्ट के ऊपर होगा और एक हाथ आपके स्टमक के ऊपर होगा। ब्रीद इन योर नोज, यानी कि आपने जो सांस अंदर लेके जानी है वो अपने नाक के थ्रू लेके जानी है। द हैंड ऑन योर स्टमक शुड राइज, तो जो आपका स्टमक के ऊपर हाथ है, जाहिर सी बात है जब आप एयर अंदर जाएगी बॉडी में तो क्या होगा कि आपका जो हाथ है स्टमक के ऊपर वो रेज होगा, यानी कि वो राइज होगा, वो उठेगा बाहर की तरफ, क्योंकि वो जो चीज़ है वो एक्सपेंड कर रही है। द हैंड ऑन योर चेस्ट शुड मूव वेरी लिटल, और जो आपका चेस्ट के ऊपर हाथ होगा वो बहुत कम हिलेगा, यानी कि उसकी मूवमेंट उतनी नहीं होगी जितनी कि आपके स्टमक वाले की होगी। एक्सहेल थ्रू योर माउथ, अब जो आपने एयर बाहर निकालनी है, यानी कि इनहेल किया थ्रू नोज, अब जो एक्सहेल करनी है यानी जो बाहर हवा निकालनी है वो हमने अपने मुंह के जरिए से निकालनी है। तो इस तरह से जब आप सांस लेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा कि यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो उसमें आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। पुशिंग आउट एज मच एज यू कैन, और मतलब इतनी गहरी सांस लें कि जितनी आप हवा अपने मुंह के जरिए से बाहर निकाल सकते हैं उतनी निकालें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाइट महसूस होगा। द हैंड ऑन योर स्टमक शुड मूव एज यू एक्सहेल, तो जो स्टमक के ऊपर हाथ है जब आप एक्सहेल करेंगे एयर को, डेफिनेटली जब हवा आपके स्टमक आपकी बॉडी से लंग्स से बाहर मूव करेगी तो वो जो आपके चेस्ट के ऊपर हाथ, स्टमक के ऊपर सॉरी हाथ था, वो भी क्या होगा, मूव करेगा। बट योर अदर हैंड शुड मूव वेरी लिटिल, तो लेकिन जो दूसरा हाथ था वो बहुत कम मूव करेगा जो चेस्ट के ऊपर है। कंटिन्यू टू ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ, तो इसी तरह से नाक के जरिए से हवा अंदर लेके जाएंगे बॉडी के अंदर, और आपके मुंह के जरिए से जो है वो उसको आप एक्सहेल करेंगे, तो हो क्या क्या आपके जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर एब्डोमन वाइल सिटिंग अप, ट्राई लाइंग डाउन, अगर आपको बैठ कर ऐसा करना मुश्किल लग रहा है तो आप उसको लेट कर भी कर सकते हैं। पुट अ स्मॉल बुक ऑन योर स्टमक एंड ब्रीथ सो दैट द बुक राइजेज एज यू इनहेल एंड फॉल एज यू एक्सहेल, तो लेट के इस तरह से किया जा सकता है कि आप स्ट्रेट लेट जाएंगे और आप एक छोटी सी कोई किताब अपने स्टमक के ऊपर, यानी कि अपने पेट के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से जब आप सांस लेंगे तो वो, जब आप इनहेल करेंगे और जब आप एक्सहेल करेंगे एयर को, तो वो उसकी जो मूवमेंट है, बुक का जो लेवल है, वो राइज हो जाएगा और वो डाउन हो जाएगा।
इट वॉज ऑल अबाउट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, क्योर, और इस तरह से जितनी भी चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव में आपके, वो हम कवर कर चुके हैं। डिफरेंट मेथड्स पढ़े हमने स्पिरिचुअल हीलिंग के, तो उम्मीद करती हूँ तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। कुछ भी समझ ना हुआ यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेशन, और आप लोग पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।